सो हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आप अपना जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। बहुत लोगों को जीमेल अकाउंट बनाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, इसलिए हम आपको आज बताने वाले हैं कि आप अगर अपना जीमेल अकाउंट न्यू बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप कोई फेसबुक आई डी बनाते हैं या फिर आप प्ले स्टोर में अपनी कोई आई डी बनाना चाहते हैं या प्ले स्टोर ओपन करना चाहते हैं, आपने कोई न्यू मोबाइल लिया है और आप चाहते हैं जैसे प्ले स्टोर ओपन करते हैं तो आपको जीमेल अकाउंट मांगता है दोस्तों। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप डाल सकते हैं, वहाँ से न्यू बना सकते हैं, लेकिन कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जिनको बनाना नहीं आता है और वो नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए उनको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से आप अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बस थोड़ी सी हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, 5 से 6 मिनट के अंदर हम आपको बता देंगे आप अपना न्यू जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सो दोस्तों आप हमारी वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चलिए हम वीडियो को कर देते हैं शुरू। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे है क्रोम ब्राउजर, आपके मोबाइल में भी ऐसा ही क्रोम ब्राउजर होगा, आपको इसको कर लेना है ओपन। जैसे आप ओपन करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च और टैब एंड नेम वेब लिखा हुआ, आपको इसमें लिखना है क्रिएट ए जीमेल न्यू अकाउंट। अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते तो आप सिर्फ सीधा सीधा आप लिख दीजिए जीमेल अकाउंट क्रिएट न्यू, आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ, आपको बस इतना ही लिख देना है, उसके बाद कर देना है सर्च। जैसे आप सर्च करेंगे दोस्तों आप यहाँ देखते हैं फर्स्ट में लिखा हुआ था क्रिएट ए जीमेल अकाउंट, जीमेल हेल्प, गूगल सपोर्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप क्लिक कर देते हैं दोस्तों आप देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए न्यू अकाउंट, आपको इसके ऊपर कर देना है क्लिक। आप देख सकते हैं दोस्तों आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आपको फर्स्ट नेम में अपना कोई अच्छा सा नेम चूज़ कर लेना है और लास्ट नेम में आपको कोई जो आपका लास्ट का नाम है जैसे कि आपका कोई भी नाम है वो लगा देना है दोस्तों लास्ट में जो आप यूज़ करते हैं, कोई भी मान लीजिए जैसे हम लिख देते हैं, आप यहाँ पर लिख दिया, मैंने फिरोज लिख दिया आपका दोस्तों अपना नाम, हम यहाँ पर लिख देते हैं हमने लिख दिया दोस्तों फिरोज और लास्ट नाम खान लिख दिया। अब हमें यूज़र नेम में दोस्तों क्या करना है, यही नाम डालना है यहाँ पे, लेकिन हमें इसमें कुछ नंबर यूज़ कर लेना है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया फिरोज, लिख दिया, अब हमें क्या करना है इसमें कुछ नंबर हमें ऐड कर देना है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमने नंबर ऐड कर दिया 2018, आप 2080 लग दोस्तों नंबर हमने ऐड कर दिया, उसके बाद में आपको इसमें दोस्तों कंफर्म पासवर्ड कर लेना है। मान लीजिए हमारा कोई भी जो हमारा अच्छा में पासवर्ड अच्छा लगता है हमें उसे यूज़ कर लेना है दोस्तों। दोस्तों हमें पासवर्ड फिर से कंफर्म कर देना है, हमने दोस्तों पासवर्ड कंफर्म कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पासवर्ड कंफर्म कर दिया दोस्तों, उसके बाद आप नीचे आइए देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। ये हमें बता रहा है कि ये यूज़र नेम आपका नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको ये यूज़र नेम नहीं बल्कि आपको यफ के ये जो नंबर दिया हुआ है आप इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद है तो आप ये यूज़ कर लीजिए, वरना आप फिर से दूसरा आप अपना अप्लाई करके देखिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमने 20 वाला हटा देते हैं, ये हटा सब कुछ हटा के स्पेस नहीं छोड़ना दोस्तों आपको, कुछ इस तरीके से हम अपना यूज़र नेम ले लेते हैं दोस्तों, फिर से हमें कर देना है नेक्स्ट। दोस्तों हमें बता रहा है ये भी यूज़र नेम आपका नहीं मिल सकता दोस्तों, हमें जो है अगर जो अवेलेबल यूज़र नेम है यफ के 51 28 04, अगर आप चाहते हैं तो ये वाला यूज़र नेम यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं आप चाहते हैं तो आप इसमें 2 3 4 बार चेंज करके देखिए, और जैसे ही आप ये 2 3 4 बार चेंज करेंगे दोस्तों आपको कोई अच्छा सा यूज़र नेम मिल जाएगा, उसके बाद में आपको क्या करना। चलिए दोस्तों हमने जो है एक अच्छा सा यूज़र नेम ले लिया, मान लिया हमने दोस्तों लिख दिया इंडिया न्यूज़ 2358, उसके बाद में आपको जो भी आपको पासवर्ड रखना है दोस्तों, नीचे आप देखिए यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड आपको कर देना है, उसके बाद दोस्तों सीधे से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप देखते हैं यहाँ पे दोस्तों लिखा हमें मोबाइल नंबर दिखा रहा है, आपको कोई अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है दोस्तों। दोस्तों लिखा है आपका जो है मंथ, डे और ईयर्स, यानी दोस्तों आपको कौन से महीने में कौन सा दिन कौन सा ईयर्स आपकी जो है जन्मतिथि पूछ रहा है, हमें आपको क्या करना है हमें यहाँ पे लिख देना है। चलिए हम फरवरी ले लेते हैं, यहाँ पे डे लिखा हुआ हम 12 ले लेते हैं, यहाँ पे ईयर्स लिखा हुआ हम 1991 ले लेते हैं दोस्तों। जेंडर में आपको फिल कर देना है दोस्तों, दोस्तों आप अगर महिला हैं तो आप फीमेल चूज़ कर लीजिए, अगर आप पुरुष हैं तो मेल कर लीजिए, हम मेल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक।
उससे पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अगर आपको कोई मिस्टेक होती तो आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज जाए और उसे वेरीफाई कर दें, तो आपको बहुत आसान तरीका रहेगा। जब भी आपका जीमेल अकाउंट या ईमेल अकाउंट जो भी है आपका, अगर वो कभी जो है आपके कभी आने वाले टाइम में अगर आपको नहीं शो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आती, तो आप उसी मोबाइल फ़ोन से जो है उसी नंबर से फिर से जो है इसे एक्टिवेट और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम सेंड मैसेज कर देते हैं। हमें ओटीपी डाल देना है दोस्तों, जो हमारी ओटीपी आ रही है उसे हमें यहाँ पर डाल देना है, वेरीफाई कर देना दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है, अगर बैक जाना है तो जाइए, स्किप करना है तो कर दीजिए, अगर नहीं करना है तो आप यस आई एम इन कर देना है दोस्तों। यस पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ ऊपर जाना, ऊपर की ओर खसका के जाना दोस्तों। नीचे देखिए लिख रहा है वो आई एग्री, आपको आई एग्री पे कर देना है क्लिक। दोस्तों जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं, आप देखिए आपका जीमेल अकाउंट बनकर तैयार हो गया दोस्तों। और ये जीमेल अकाउंट आपका जो है आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी जगह। आप चाहे फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे यूट्यूब में यूज़ कर सकते हैं, अगर यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो आप इसको यूट्यूब में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। आप चाहे इसे प्ले स्टोर में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने बहुत सारे जीमेल अकाउंट बना रखे हैं दोस्तों, हमें अगर आपको कोई अच्छा एक जीमेल अकाउंट अपना रखना है पर्सनली, तो आप उसे अच्छे से बना लीजिए। बाकी जो जीमेल अकाउंट आप बनाते हैं उससे अदर यानी कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करना है, या आपको गूगल ड्राइव यूज़ करना है, या आपको कोई भी चीज़ें यूज़ करना है, तो आप उस जीमेल अकाउंट से यूज़ करिए। लेकिन आपका जो पर्सनल जीमेल अकाउंट है आप उससे मत करिए, क्योंकि लाइफ में आपको कभी हैक होने का खतरा नहीं रहेगा। अगर हैक भी हो जाता है तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों। अगर आपको एक यूट्यूबर है और यूट्यूब चैनल बनाते हैं उस जीमेल अकाउंट से, तो हम आपको यही बताएंगे कि आप उस जीमेल अकाउंट से आप सिर्फ यूट्यूब चैनल ही अपना बनाइए, बाकी कोई भी उससे ऐप या कोई भी चीज़ें आप उसमें लॉगिन मत करिए, ना कहीं पर उसको आपको देना है दोस्तों। सो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।